नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आइए हम आपको दो एज वाले मंदिर पर ले जाते हैं, जहां पर आज बूढ़े बाबा की दो एज का मेला लगा हुआ। बड़ी संख्या में यहां पर आज भक्त आ रहे हैं। यह प्राचीन मेला है। पंडित जी ने बताया कि 5 दशक तो उनके परिवार को इस मेले की रक्षा करते हो गए, सेवा करते हो गए। यहाँ पर सवेरे का मौसम है, कम भीड़ है। दिन में काफ़ी संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। आइए बात करते हैं यहाँ के पुजारी जी से। पंडित जी, आज बूढ़े बाबा की द्वेज है, इसका महत्व क्या है, क्यों लोग यहाँ पर आते हैं? इसमें बूढ़े बाबा की द्वेज पीढ़ियों से हम देख चले आ रहे हैं। जैसे किसी को दांत खाज खुजली हो जाती है, चर्म रोग, वो सब या प्रसाद चढ़ाने से वो सही हो जाते हैं। कितनी पीढ़ी आपकी इस मंदिर में सेवा करते हो? ये 5वीं पीढ़ी में मैं हूँ, बाकी उससे पहले का बड़ों को पता होगा। आपका शुभ नाम क्या पंडित जी? मेरा नाम रविनाथ है। रविनाथ, आप रहने वाले कहाँ के? मैं मोहल्ला रामपुरी सहनपुर का। मोहल्ला रामपुरी सहनपुर के। तो 5वीं पीढ़ी में आप ही भगवान की सेवा करते चला रहे हैं? हाँ, ये सेवा का सौभाग्य ईश्वर ने दिया। माता की असीम कृपा आपके पास है। हाँ, सब माता रानी की कृपा सभी के बनी रहे। आप यहाँ की जो आसपास की जनता, कितने दूर के गांव के लोग आते हैं यहाँ पर? ये उत्तराखंड के भी लोग हैं, आसपास पूरे जनपद के, जो हमारे लगे हुए 25-30 किलोमीटर तक के लोग यहाँ पर आते हैं जी। बड़ी संख्या में यहाँ भक्त आते हैं जी। जनता के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता के लिए अपील यही है कि शांतिपूर्वक प्रसाद चलाएं, धक्का मुक्की ना करें।